व्हाट्सएप चैट हाइड कैसे करें, यानी कि व्हाट्सएप चैट पर लॉक कैसे लगाएं। तो गाइस जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा व्हाट्सएप है। मैं यहां किसी भी चैट पर क्लिक कर रहा हूं, कोई चैट ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने व्हाट्सएप चैट पर लॉक लगाया हुआ है। तो गाइस अभी यहां पर देखेंगे, जो हमारी वॉल्यूम बटन होती है, दो बार ऊपर की मैं दबाऊंगा और दो बार नीचे की दबाऊंगा। देखेंगे हमारा व्हाट्सएप चैट कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे जो चैट है। तो गाइस अगर आप भी अपने व्हाट्सएप चैट पर लॉक लगाना चाहते हैं इस तरह का, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने व्हाट्सएप चैट पर लॉक लगा सकते हैं, और किसी को भी अपना व्हाट्सएप ओपन करके दे देंगे, उसे पता ही नहीं चलेगा कि आपने अपने व्हाट्सएप चैट पर लॉक लगाया। तो गाइस चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। पहले आपको एक छोटा सा ऐप डाउनलोड कर लेना है, इस ऐप का नाम है केनोट। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और गाइस इसे कैसे यूज करना है इसके बारे में पहले जान लो। तो गाइस आपको इस पर क्लिक करना है, ओके। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको नीचे नेक्स्ट कर देना है, ओके। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी जो वॉल्यूम बटन है यानी कि आवाज़ वाली बटन है, यहाँ से आपको दो बार ऊपर दबा देना है, दो बार नीचे दबा देना है। आप मनचाहा जो भी आप दबाना चाहते हैं, तीन बार दबा सकते हैं, चार बार दबा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद वापस आपको दो बार ऊपर की दबा देना है, दो बार नीचे की दबा देना है, ओके। उसके बाद यहाँ से नीचे कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ देखेंगे बोथ होगा, तो आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, ओके। उसके बाद यहाँ से आपको एक वो डाल देना है, यहाँ जैसे मैंने डाल दिया व्हेन इज योर एनिवर्सरी। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे 2000 यानी कि 2000। उसके बाद यहाँ से हमें नेक्स्ट कर देना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको ग्रेड देखने के लिए मिल जाए, तो आपको ग्रेड पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ से ओके करके आपको अपने सेटिंग में इस ऐप को अलाउ कर देना है। यहाँ से अलाउ कर देना है, ओके। उसके बाद यहाँ से बैक आना है। एक बार और देखेंगे यहाँ पर आपको ग्रैंड देखने के लिए मिल जाए, तो आपको इस पर क्लिक करके इसे यहाँ से एक बार और अलाउ कर देना है, यहाँ से ढूंढ के, ओके। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे फिनिश, तो आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है, ओके। उसके बाद यहाँ से ओके करके यहाँ पर आपको अपना जो लॉक लगाए थे, यहाँ पर जैसे मैंने दो बार ऊपर की बटन दबाया था, दो बार नीचे की, ओके। यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले यहाँ ऊपर देखेंगे आपको एक आई बटन देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको इसे ऑन कर देना है। आपको ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ढूंढ लेना है। यहाँ से हम व्हाट्सएप ढूंढेंगे, तो यहाँ पर व्हाट्सएप आ गया, तो हमें इसे लॉक कर देना है, ओके। उसके बाद यहाँ देखेंगे आपको थोड़ा इधर देखने के लिए मिल जाएगा व्हाट्सएप के साइड में ब्लैक, तो आपको ब्लैक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको कस्टम कर देना है, ओके। कस्टम करने के बाद एक बार यहाँ से आपको अलाउ कर देना है, ओके। उसके बाद अपने व्हाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट फोटो ले लेना है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। तो यहाँ पर अभी हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से एक फ़ोटो जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था, यहाँ से हम इसको ले लेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ से अच्छे से सेट कर देंगे, ओके। उसके बाद यहाँ ऊपर देखेंगे क्रॉप, तो आपको क्रॉप पर क्लिक कर देना है, ओके। जब आप इस पर इतना काम कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। तो देखेंगे लॉक लग चुका है। अब जब दो बार ऊपर की साइड दबाएंगे और दो साइड नीचे की, तभी जाके आपका व्हाट्सएप चैट ओपन होगा। तो गाइस इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप चैट को हाइड कर सकते हैं।